मालूम पड़ा है कि जो हमारे पत्रकारों की टीम थी वो कवरेज के लिए गई थी और वहाँ पे प्रेस के साथ बदसलूकी हो गई, ख़ास तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिला के, और उन पे हमला करना और उन पे उनको जो चोटें आई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम ऐसे किसी भी एक्ट की निंदा करते हैं क्योंकि हम हमेशा से स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। पत्रकारिता को हम किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते, तो इसलिए जो घटना हुई है वो खेदजनक है। हमने उसी समय डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दी थी कि वो हॉस्पिटल जाएं और सुरेंद्र जी के जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी लेके हमें दें, और मैं इनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बाकी कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन प्रशासन है, कानून है, पुलिस है, इसलिए कोई व्यक्ति जो है कानून को हाथ में ले इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी मैं जिले में पहुंचा ही हूं, अभी प्रशासन से चर्चा करके आगे मैं बता पाऊंगा। हमें मालूम पड़ा है कि जो हमारे पत्रकारों की टीम थी वो कवरेज के लिए गई थी और वहाँ पे प्रेस के साथ बदसलूकी हो गई, ख़ास तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिला के, और उन पे हमला करना और उन पे उनको जो चोटें आई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम ऐसे किसी भी एक्ट की निंदा करते हैं क्योंकि हम हमेशा से स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। पत्रकारिता को हम किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते, तो इसलिए जो घटना हुई है वो खेदजनक है। हमने उसी समय डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दी थी कि वो हॉस्पिटल जाएं और सुरेंद्र जी के जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी लेके हमें दें, और मैं इनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बाकी कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन प्रशासन है, कानून है, पुलिस है, इसलिए कोई व्यक्ति जो है कानून को हाथ में ले इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी मैं जिले में पहुंचा ही हूं, अभी प्रशासन से चर्चा करके आगे मैं बता पाऊंगा।